हम एक्सेप्ट ना करें बल्कि हम कहें कि वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथिस और वी रिजेक्ट द नल हाइपोथिस सो टेस्टिंग हाईपोथिस के अंदर ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पावर ऑफ द टेस्ट पावर ऑफ द टेस्ट क्या है कि जब हम नल हाइपोथसिस बनाते हैं कि देर इज़ नो इफेक्ट और फिर उसका हम रिसर्च हाइपोथिस बनाते हैं कि देयर इज एन इफेक्ट तो पावर ऑफ द टेस्ट है कि हम इफ इफ द इफेक्ट इज देयर वी प्रिसाइसली और एक्यूरेटली या सही डिसीजन करते हुए वी डिटेक्ट दैट इफ़ेक्ट एंड वी मेक दैट डिसीजन अगर हम बात करें कि दो पॉसिबल डिसीजन क्या होते हैं कि अगर हमने फर्स्ट करें इफ़ वी हैव रिजेक्ट द नल हाइपोथिस तो उसमें हमेशा हमारे पास टाइप वन एरर के चांसिस होते हैं यानी अगर हमने नल हाइपोथिस रिजेक्ट कर दिया और अपना रिसर्च हाइपाथिस एक्सेप्ट कर लिया तो इसका मतलब है कि अगर हमने एक सही नल हाइपोथिस को रिजेक्ट uh, कर दिया है तो हमने टाइप वन एरर की है और अगर अदर वे हमने अगर नल हाइपोथेसिस को भी फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस और हालांकि वो नल हाइपोथेसिस गलत था तो इसका मतलब है कि हमने टाइप टू एरर कमिट की है uh, अगर हम इसको ड्रॉ करें डायगेल के ऊपर तो चार तरह के पॉसिबल डिसीजनस होते हैं टेस्टिंग हाइपोथसिस के अंदर ये हमने लास्ट टाइम भी बात की है और अभी फिर मैं आपको बताती हूँ कि पावर ऑफ द टेस्ट क्या है सो हमारे पास यह है कि नल हाइपोथसिस एक्चुअली ट्रू है यानी कि देयर इज़ नो इफेक्ट और नो इफेक्ट ऑफ द ट्रीटमेंट और एक है कि नल हाइपोथसिस हमारा फॉल्स है और इधर हमारा है कि हमने रिजेक्ट किया है या हमने फिर एक्सेप्ट या फिर फेल टू रिजेक्ट किया है तो अगर हमने एक नल हाइपोथसिस सही था और उसको रिजेक्ट कर दिया तो हमने टाइप वन एरर की है टाइप वन एरर अगर हमने नाल हाइपोथेसिस गलत था यानी वाकई इफ़ेक्ट था और हमने उसको रिजेक्ट किया तो ये हमारा सही डिसीज़न है और अगर हमने एक ट्रू नाल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया है तो ये भी सही डिसीजन है लेकिन अगर हमने एक फॉल्स नाल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया है तो ये हमारा है टाइप टू एरर अब बेसिकली पावर ऑफ द टेस्ट क्या है हमेशा रिसर्चर वाकई अगर डिटेक्ट अगर वो कोई इफेक्ट एग्जिस्ट करता है तो उसको हम डिटेक्ट करना चाहते हैं यानी हम वाकई चाहते हैं कि अगर इफेक्ट एग्जिस्ट करता है तो हम फिर नल नालाइपथसिस को रिजेक्ट करें जो कि कहता है कि देर इज नो इफेक्ट सो बेसिकली रिजेक्टिंग अ फॉल्स नल नालाइपथस इज एक्चुअली अ पावर ऑफ द टेस्ट विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड वन माइनस बीटा इसमें हम बात करेंगे कैल्फा क्या है और बीटा क्या है Lekin, let's move on to one example here. Uh, supposing researcher starts with a normal shaped population with the hypothesis that general activity level in population is 500. This questionnaire ke upar, ya, us instrument ke upar, activity level. Hai. And the standard deviation is 100 and the sample size is 25. A new drug that the activity significantly increased. So now we have to test the hypothesis kya drug jo hai, वो वाकई एक्टिविटी को इनक्रीज करती है या नहीं तो so, इसके लिए हम सबसे पहले अपना नल हाइपोथिस बनाएंगे और वो होगा कि एक्टिविटी इज एक्चुअली म्यू इज़ इक्वल टू फाइव ठीक है जो वो क्लेम कर रहे हैं लेकिन इसके अगेंस्ट हम अपना एच वन बनाएंगे विच विल बी इक्वल टू कि म्यू इज़ ग्रेटर देन 500। अब हमने इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है ये हमने वन टेल बनाया है ये हमने डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बनाया है क्योंकि ऑलरेडी हमने कहा है कि कंपनी या ड्रग वालों का क्लेम है कि वो एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देते हैं सो वी विल ड्रॉ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड वी विल मार्क द क्रिटिकल वैल्यू वन टेल टेस्ट के ऊपर अगर हमने नाइन्टी फाइव परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट करना है तो वो होगा आपको पता है कि हमने ऑलरेडी जेड की वैल्यू देखी हुई है वन पॉइंट नाइन सिक्स आती है सो so हमने जो पिछली स्लाइड में देखा है एग्जाम्पल के एक एवरेज uh, जो एक्टिविटी लेवल इन अ सर्टन पॉपुलेशन फाइव हंड्रेड है और एक नई उसकी जो स्टैंडर्ड एवियशन वो हंड्रेड है और उसका जो एन साइज़ है वो ट्वेंटी फाइव है और कंपनी क्लेम करती है कि एक ड्रग नई बनी है जिसके लेने के बाद एक्टिविटी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ कर जाएगी सो वी हैव टू टेस्ट दिस हाइपोथेसिस एंड वी कैन सी के वेयर एंड हाउ वी कैन रिफर एंड रिकमेंड टू पावर एल्फा और बीटा ऑफ द टेस्ट सो हमने पहले उसको हमेशा नल हाइपाथसिस अपना स्टेट किया उसका रिसर्च हाइपाथसिस स्टेट किया हमने उसके बाद हमने नॉर्मल कर्व ड्रा किया और हमने कहा कि 95 परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल में Z की क्रिटिकल वैल्यू 1.96 बनती है अब हम एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे कि एक्टिविटी लेवल गिवन ऑल दिस कितना आता है सो so हम उसमें वैल्यू निकालेंगे जिसका फार्मूला है मीन प्लस Z इंटू हमने पहले भी बात की हुई है मीन प्लस Z इंटू स्टैंडर्ड एरर और हमारा मीन फाइव है और हमारा Z की वैल्यू वन है स्टैंडर्ड एरर हमें पता है हम निकालते हैं सिगमा ओवर एन अंडर रूट करके सिगमा हमें दिया हुआ है हंड्रेड और एन इज़ हमारा ट्वेंटी फाइव है तो अगर हम उसको वैल्यूज़ को प्लग इन करेंगे तो वन पॉइंट नाइन सिक्स और ये आ जाएगा सिग्मा अगर हम हंड्रेड प्लेस करें और एन हमारा ट्वेंटी फाइव है तो ट्वेंटी फाइव का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो फाइव आ जाएगा फ़ाइव को डिवाइड करेंगे हंड्रेड पे तो ट्वेंटी आ जाएगा और ट्वेंटी को हम वन पॉइंट नाइन सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा थर्टी टू पॉइंट नाइन समथिंग सो फाइव हंड्रेड प्लस थर्टी टू पॉइंट नाइन इज इक्वल टू फाइव थर्टी टू पॉइंट नाइन या फिर फाइव थर्टी थ्री ये अब हमने पता कर लिया कि जो क्रिटिकल वैल्यू आई है हमारी फाइव थर्टी थ्री आई है यानी अगर हमारी एक्टिविटी लेवल फाइव हंड्रेड थर्टी थ्री से एक्सीड कर जाता है तो वो हमारा इस रीजन में फॉल करेगा जो कि हमने पहले भी बात की कि ये हमारा रिजेक्शन रीजन है रिजेक्शन रीजन फॉर नाल हाइपोथिस सो एनी वैल्यू इफ़ वी गेट फ्रॉम द साम्पल इफ इट इज़ ग्रेटर दैन फाइव थर्टी थ्री तो इट विल मूव टू द रिजेक्शन एंड वी विल रिजेक्ट द नाल हाइपोथसिस मूविंग ऑन टू कि इसको हम पावर से कैसे करेंगे हमेशा याद रखें कि आपने जैसे ये हमने फाइव थर्टी थ्री कर ली ये हमारी क्रिटिकल वैल्यू आ गई सही से हाँ इसका मतलब है कि अब हमने ये हमारा नल हाइपोथसिस के लिए ब्लू और ये हमारा जो रेड वाला है ये हमारा अपना अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के लिए जम्पन है जो हमने की है फर्स्ट करें एक इन्होंने कलेक्ट किया है ट्वेंटी फाइव का ही और उनका वेरिएंस जो है वो आपका हंड्रेड ही आया है और उनका जो साम्पल मीन आया आफ्टर टेकिंग दैट ड्रग उनका जो मीन आया है वो फाइव एटी आया है राइट right? अब हम बेसिकली पावर ऑफ द टेस्ट हमेशा जो हमने बात की है कि पावर ऑफ द टेस्ट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथसिस वेन इट इज एक्चुअली फॉल्स हमने क्या करना है कि पहले हमने अपने नल हाइपोथिस का डिस्ट्रीब्यूशन ड्रा किया और फिर उसके ऊपर हमने अपना ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन जो रेड में है जो कि हमारे अल्टरनेटिव हाइपोथिस का डिस्ट्रीब्यूशन है ड्रॉ किया अब आप अगर आप देखें तो इसके अंदर हमारा ये ओवरलैप है यानी रेड वाले एरिया में हमारा जो डार्क रेड कलर है दैट इज एक्चुअली वैल्यू कॉल्ड बीटा यानी इसका मतलब है कि अगर ये वाला रेड हिस्सा ब्लू में टेल में आ जाता है तो ये हमारा मतलब है कि इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप टू एरर बीटा विच इज़ इक्वल टू टाइप टू एरर टाइप टू एरर हमने बात की हुई है जिसका मतलब है कि अगर हमारा नल हाइपोथिस गलत है और हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो दैट इज़ वी हैव कमिटेड टाइप टू एरर सो ये हमारा एक्सेप्टेंस रीजन में जा रहा है ये वाला एरिया जो एक्सेप्टेंस रीजन में जा रहा है इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर हमारी वैल्यू आ जाती है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे हालांकि हमारा एक्चुअली रिसर्च हाइपोथेसिस ठीक है लेकिन देयर आर चांसेस कि वो इस रीजन में फॉल कर जाए ब्लू वाले में तो अगर वो इधर फॉल कर देता है तो इसका मतलब कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करते क्योंकि ये हमारा एक्सेप्टेंस रीजन है सो एक्चुअली दिस इज़ कॉल्ड बीटा ये हमारा डार्क रेड वाला सिमिलरली इसको हम बीटा को हम टाइप टू एरर भी कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप टू एरर सिमिलरली अगर आप ब्लू वाला देखें जो कि हमारा एक्सेप्टेंस रीजन है बेसिकली दिस डिस्ट्रीब्यूशन स्पीक्स टू द नाल हाइपोथसिस अब इसके अंदर भी ये हमारा रिजेक्शन रीजन है ये वाला यानि हम नाल हाइपोथसिस को रिजेक्ट कर देंगे और ये जो डार्क ब्लू वाला एरिया है अगर हमारी वैल्यू इसमें फॉल करती है तो हमारा इसका मतलब है कि वो हमारी रिसर्च हाइपोथसिस हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा यानी नाल हाइपोथसिस रिजेक्ट सो इसके अंदर भी बेसिकली ये जो डार्क ब्लू है ये हमारा है एल्फ़ा इसको हम अल्फा लेवल कहते हैं अल्फा का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस और पावर ऑफ द टेस्ट हमेशा जो है पावर ऑफ द टेस्ट इज इक्वल टू वन माइनस बीटा यानी ये हमारी बीटा की वैल्यू है जो डार्क रेड में है विच इज़ इक्वल टू प्रॉबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप टू एरर ऑल्सो हम उसको कहते हैं और ये जो हमारा पूरा रेड वाला एरिया है ये हमारा एक्सेप्टेंस रीजन फॉर आर रिसर्च हाइपोथिस है यानी ये हमारा दूसरा अल्टरनेट डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके ऊपर हमने अपना डेटा कलेक्ट किया है सो so, अब अगेन मैं बताती हूँ कि हमारे पास ये ब्लू वाला एरिया नाल हाइपोथेसिस का था जो कहते हैं कि एक्टिविटी लेवल 500 है मैंने अपना अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाया डेटा ड्रॉ किया पच्चीस का और मुझे पता चला कि उसका मीन जो है वो फाइव आया है अब मैंने इसको टेस्ट करना है कि इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर पावर कितनी है यूजली हम ये कहते हैं कि हम इसको जो रेड वाला एरिया है डार्क रेड वाला यानी टाइप टू एरर को हम मिनिमाइज करें तो पावर हमारी और मैक्सिमम इंक्रीज हो जाएगी जितना ज़्यादा ये हमारा रेड एरिया है ये हमारी बेसिकली पावर है सो so, ये जितना एरिया हमारा ज़्यादा होगा पावर होगी सो स्लाइटली दिस एरिया इज कमिंग इन द नल हाइपोथिस के एक्सेप्टेंस रीजन में आ रहा है जिसको हम बीटा वैल्यू कहते हैं यानी हमारा एक्चुअल तो रिसर्च हाइपोथिस ठीक है लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारा इस हाइपथसिस वाले डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर फॉल कर रहा है यानी एक्सेप्टिंग द नाल हाइपोथिस वेन इट इज एक्चुअली फॉल्स विच इज इक्वल टू टाइप टू एरर विच इज इक्वल टू बीटा एंड दिस इज ऑल कैलकुलेट द पावर ऑफ द टेस्ट विच इज वन माइनस बीटा